गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक्स ऑफ ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। क्लास 11 ड्राइंग। सबसे पहले अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। केवल ड्राइंग बनाने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सपोज हम कोई भी अपनी बाइक लेके आप लोग जाते हैं तो आप लोग को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो कुकिंग करते समय भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं तो अगर जितने भी रूल्स हैं उसमें से एक भी रूल को हम तोड़ देते हैं तो हमारा जो वर्क है उसकी सक्सेस जो है वो हमें नहीं मिल पाती। इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को फॉलो अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को सक्सेस मिलती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से, जो बेसिक है और उसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, चित्रकला के तत्व। चित्रकला है क्या, पहले तो हम ये जान लें। जब भी हम हाथ में पेंसिल उठाते हैं या कोई भी चौक उठाएं या कुछ भी तिनका उठाएं और उससे कोई शेप बना दें, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। लेकिन ड्राइंग एक बहुत ब्रॉड शब्द है, बहुत ब्रॉड वर्ड है। इसका मतलब केवल एक ड्राइंग करने से नहीं है, बल्कि लाइंस का ध्यान रखना, शेप का ध्यान रखना, उसमें कलर किस तरीके से भरा जाएगा, कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे, थीम क्या होगी, कहाँ बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो इसको हम सिस्टमैटिक वे में समझते हैं। सबसे पहले हमें ड्राइंग बनाने के लिए लाइन खींचनी पड़ती है। बिना लाइन खींचे हम किसी भी ड्राइंग को नहीं बना सकते हैं। और ये लाइन जो होती है, लाइन की डेफिनेशन आप मैथ्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हेन टू पॉइंट्स आर कमाइंड मेक अ लाइन, यानी जब भी दो बिंदु आपस में मिलते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। हम यहाँ ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे बच्चों, लेकिन सिंपली वे में लाइन होती क्या है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हमें जरूर याद रखनी है। लाइंस शेप्स कलर टोन टेक्सचर स्पेस, इस तरीके से ये सिक्स एलिमेंट्स हैं ड्राइंग के, जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप ही ध्यान रखना पड़ेगा। इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन इन सब से इन सबको एक साथ नहीं लेते। आज मैं आपको सिर्फ ले रही हूँ लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन तो बताया है मैंने डेफिनेशन आपको, लेकिन लाइन सिक्स टाइप की, सेवन टाइप की लाइंस जो है वो मानी गई है। ऐसा माना गया है कि जब भी कोई ड्राइंग बनाई जाती है तो उस ड्राइंग में सेवन टाइप की लाइंस इंक्लूड होती है, मतलब सेवन के अलावा एट्थ टाइप की कोई सी भी लाइन देखी नहीं गई आज तक। ये लाइंस होती कौन कौन सी है? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व लाइन, एंगुलर लाइन, इसके अलावा सर्कुलर लाइन, इस तरीके से ये सारी लाइन्स होती है। तो इन लाइन्स की भी आपकी एक एक लाइन में मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपके इसकी डेफिनेशन लिखी भी है, हम इसको टर्न बाय टर्न लेंगे। लाइन नंबर 1 है आपके सीधी रेखा, ये इस तरीके से होती है। साथ साथ में इसके आप इस तरीके से थोड़े थोड़े से सिंबल भी बनाते जाएंगे। सीधी रेखा, सीधी रेखा जो होती है वो जमीन से और ऊपर सीधी होती है थोड़ी, और 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसमें मजबूती होती है। और मजबूती की वजह से ये रेखा जो होती है वो पिलर्स में देखी जा सकती है, कॉर्नर्स में देखी जा सकती है, ट्रीज में देखी, ट्री के स्टैम्प में देखी जा सकती है,
यहाँ तक कि मैं खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी भी क्या बना रही है, एक जमीन से क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो यानी स्ट्रेंथ है, पावर है, तभी तो खड़ी हूँ। ठीक है, तो किसी भी सीधी रेखा को, सीधी लाइन को खींचने के लिए 90 डिग्री की एक लाइन खींचनी होगी और उस लाइन के ऊपर हम चाहे तो ह्यूमन बींग बनाए, है ना, व्यक्ति बनाए कोई, या फिर हम कोई पोल बनाए, इलेक्ट्रिक पोल बनाए, या ट्री बनाए, कोई भी चीज बनाना चाहे हम, एक लैडर बनाए, कुछ भी बनाए हम, लेकिन उसके लिए हमें इस तरीके से 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आड़ी रेखा। इसको बोलचाल की भाषा में आड़ी रेखा कहते हैं। ये वाली 80 डिग्री का कोण बनाती है जमीन से, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, लेकिन ये एकदम शिथिलता, इससे प्रभाव होता है शिथिलता, उदासीनता, उसका प्रभाव देखा गया है। ये रेखा जमीन के समानांतर होती है, यानी जमीन के बिल्कुल इस तरीके से होती है समानांतर। कोई भी व्यक्ति विश्राम कर रहा होता है, या कोई डेड बॉडी होती है, या कोई आपके कुछ भी, कोई भी चीज ऐसे जमीन पे, कोई खंभा पड़ा हुआ है, या फिर कोई रॉड पड़ी हुई है, या कोई लकड़ी का कुछ एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी चीज अगर जमीन से 180 डिग्री का कोण बना रही है, उसके साथ साथ ही पैरेलल में पड़ी हुई है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसके लिए बनाएंगे हम सबसे पहले आड़ी रेखा उसको बनाने के लिए। और इसका विशेष रूप से प्रभाव होता है कैसा, शिथिलता और उदासीनता, विश्राम की स्थिति, इस प्रकार का एक उदासीन प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। तीसरी लाइन है तिरछी रेखा, इस तरीके से होती है ये, तिरछी रेखा, नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये इस तरीके से तिरछी होती है। लेकिन कभी भी ये गिर सकती है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है और इसका कुछ पता नहीं है कि ये कब गिर जाएगी। जितनी इसमें स्ट्रेंथ होगी उतनी देर तो ये तिरछी रहेगी और बाद में जमीन पे गिर सकती है। इस रेखा के उदाहरण हम देख सकते हैं, आपने क्रैकर्स में, पटाखों में देखा होगा, एक हम रॉकेट छुड़ाते हैं तो रॉकेट तो जमीन पर होता है, लेकिन जब हम उस पर फायर लगाते हैं तो वो एकदम सीधा चला जाता है। जितना उसमें स्ट्रेंथ का बारूद होता है वो उतनी देर तक तिरछा रहता है, फिर बाद में जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ खत्म हुई वो गिर जाता है। इस तरीके से ही और भी काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं, जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनके जो फैदर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, तिरछी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तिरछी रेखा जो होती है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है और ना ही उसको कुछ पता होता है कि वो कब गिर जाए। तो इस तरीके की रेखाएं बनाने के लिए भी हम आपको उदाहरण बताएंगे, मैं उन उस टाइप के कोई भी उदाहरण से रिलेटेड चित्र बनाने होंगे तो हमें इस तरीके की धनुष से निकला हुआ बाण की तिरछी रेखा का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी चित्र बनाना हो तो तिरछी रेखा का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 पे है कोणीय रेखा। जब कोई रेखा, एक तो आड़ी रेखा और एक तिरछी रेखा, आड़ी रेखा और एक तिरछी रेखा, ये दोनों मिलके एक कोण का निर्माण करते हैं, यानी ये दोनों एक बिंदु पे मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है देखो, एक तिरछी रेखा और एक आड़ी रेखा, ये दोनों मिल गए तो कोण बन रहे हैं। अब हम ज्योमेट्रिकल मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे बच्चों, कि हम ये बताएंगे कि कौन सा कोण बनना चाहिए, न्यूनतम अधिकतम, उन कोणों पे नहीं जाएंगे हम। केवल हमें तो एक कोण चाहिए, इस तरीके का एक बिंदु पे जब कोई कोण का निर्माण होता है तो उस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं, कोणीय रेखा। नाम इसका कोणीय इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा है,
ठीक है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टैम होती है, स्टैम से उसकी एक टहनी जो होती है वो झुर्रीली होती है, ठीक है। तो वो कैसे किसका निर्माण करती है, किसी एक कोड का निर्माण करती है, ठीक है। मेरे मेरी बॉडी है, उससे ये हाथ है जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या है कोड का निर्माण हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी, कोणीय रेखा। यानी कि ये दो रेखाएं मिलकर एक कोण, एक रेखा के रूप में दिखाई गई है, ये एक दूसरे से डिपेंड होती है, एक हड्डी और दुर्घटना। यानी कि इन दोनों का साथ में रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि पेड़ के तने से तेज आंधी आए तो डाली टूट जाती है ना, उसी तरीके से टहनी टूट जाती है, उसी तरीके से ये भी रेखाएं दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और दोनों को एक बिंदु पर जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण है और उनको हम बनाने के लिए कोणीय रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पांचवी रेखा है आपकी लहरदार रेखा। लहरदार या लयात्मक रेखा, नाम से ही पता चलता है इसमें लहरें होती है, ठीक है। जब भी कोई समुद्र की लहर दिखानी है हमें, या कोई पहाड़ियों का सीन दिखाना है हमें, या फिर आपने देखा होगा कि बीपी वगैरह हार्टबीट्स वगैरह चेक करते, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमको स्क्रीन पे कैसे कर्व लाइन्स दिखाते, वो इस टाइप की लाइन्स दिखाते हैं ऊपर नीचे, या किसी चीज़ का, किसी भी जैसे फाइनेंशियली अभी हम लोग बहुत डाउनफॉल पे हैं हमारा इंडिया, तो उसका ग्राफ नीचे आ गया है, कल फिर वापस से डेवलपमेंट होगा तो ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो हमारे मन की स्थिति कैसी होती है, हम बहुत घबरा से जाते हैं, तो हमारा ग्राफ कैसा चला जाता है नीचे, और रिजल्ट आ जाता है बहुत अच्छा आता है तो एकदम से ग्राफ कैसा होता है ऊपर, यानी हमारे जीवन में भी उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार के उतार और चढ़ाव को दिखाने के लिए इस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसे लहरदार या लयात्मक रेखाएं कहते हैं और इनको बनाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है चक्राकार रेखा। चक्राकार नाम ही पता है, चक्कर आ रहे हैं है ना, चक्र बन जाए, जलेबी याद आ रही है ना। चक्राकार रेखा का मतलब है कि किसी भी एक बिंदु से शुरू होकर उसके इर्द गिर्द घूमती हुई एक चक्र का निर्माण जब कोई रेखा करती है तो उसे क्या कहते हैं, चक्राकार रेखा। बहुत सारे उदाहरण आपके दिमाग में आएंगे लेकिन एक इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि जब हम एक स्थिर पानी जो होता है, पानी पर पानी में कंकर मारते हैं तो स्पंदन होता है और एक चक्र का निर्माण होता है। हमारे दिमाग में हमको सोच रहे होते हैं, वाइब्रेशन होता है और एक चक्र का निर्माण होता है, उलझन होती है। यानी ये रेखाएं उलझनों का प्रतीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा होता है, उलझन हो रही होती है, या फिर किसी भी प्रकार का हमको एक चक्र दिखाना है तो हम इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की रेखाएं बनाते हैं। लास्ट आपकी बच रही है आज के लिए एक कुंजीय रेखाएं, एक कुंजीय रेखाएं। नाम से पता चल रहा है आपको कि किसी एक स्रोत से या कुंज से इनका स्टार्टिंग होता है। जब कोई रेखा एक केंद्र एनर्जेटिक केंद्र बहुत सारी उसमें ऊर्जा है, ठीक है, उस केंद्र से चारों तरफ फैलती है तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहेंगे, एक कुंजीय रेखा, ठीक है। प्रकाश चारों तरफ फैलता है ना, लाइट बल्ब है सपोज, ये उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, फैन है उसकी हवा चारों तरफ फैल रही है, मैं बोल रही हूँ मेरी ध्वनि
वहां तक फैल रही है, जितना मैं तेज बोलूंगी उतनी दूर तक मेरी ध्वनि जाएगी, तो वो भी एक कुंजी रेखा का उदाहरण है। यानी हम किसी एक स्रोत से जब किसी उसकी एनर्जी को चारों तरफ डाइवर्ट करते हैं, या करते क्या है, तो अपनी आप ही होती है, नेचुरल है, तो डाइवर्ट होती है एनर्जी, तो उसको क्या कहेंगे, एक कुंजी रेखा। सूरज भी इसी का उदाहरण है, सूरज भी एक कुंज है और उसकी रोशनी हमें सबको मिलती है, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक कुंजी रेखा। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने कितने प्रकार के, सात प्रकार की रेखाओं के बारे में देखा, कल हम इसके आगे